हेलो गाइस, मैं किकुल हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक बार नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल के बारे में। वैसे तो आप गूगल के बारे में मेरे से ज्यादा जानते होंगे, पर आज हम गूगल के उन प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं जो बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो गूगल के ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनके बिना हमारा स्मार्टफोन बेकार है, जैसे एंड्रॉयड, क्रोम, गूगल मैप्स और भी बहुत कुछ। लेकिन आज हम बात करेंगे उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिन्हें लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। तो क्या आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आने वाले कुछ मिनटों में आप उनके बारे में जान जाएंगे। तो गूगल का वो पहला प्रोडक्ट जो लोगों के स्मार्टफोन में अपनी जगह बनाने में नाकामयाब रहा, वो है गूगल प्लस। गूगल प्लस गूगल के द्वारा लॉन्च की गई एक सोशल नेटवर्क साइट थी जिसे 28 जून 2011 में लॉन्च किया गया था। गूगल प्लस को लॉन्च करने का असली मकसद दूसरी सोशल नेटवर्क साइट को चैलेंज करने का था। साथ में ये दूसरे गूगल प्रोडक्ट्स जैसे गूगल ड्राइव, ब्लॉगर और यूट्यूब को आपस में जोड़ने का काम भी करता था। हालांकि फेसबुक की बढ़ती पॉपुलैरिटी के सामने ये टिक नहीं पाया। साथ में इसमें ऐसा बग भी पाया गया जो यूजर्स के डाटा को एक्सपोज भी कर रहा था, और आखिरकार 2018 में इसे बंद कर दिया गया। गूगल का दूसरा फेल्ड प्रोडक्ट है गूगल पिकासा। पिकासा यूजर्स को कई सुविधाएं देता था, जैसे ये एक इमेज व्यूअर भी था, साथ में ये इमेज एडिट करने का काम भी आता था, और इससे आप फोटोज को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर सकते थे। वैसे पिकासा ऐप को असल में लाइफ स्केप नाम की एक कंपनी ने क्रिएट किया था जिसे गूगल ने 2002 में खरीद लिया था। 2016 से पिकासा को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया क्योंकि गूगल अपने एक और प्रोडक्ट गूगल फोटोज पर फोकस करना चाहता था। गूगल का अगला फील्ड प्रोडक्ट है गूगल ऑफर्स, जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था। इस पर यूजर्स डिस्काउंट्स और कूपन जैसी सर्विस प्राप्त कर सकते थे। ये कुछ कुछ ग्रुपॉन जैसी वेबसाइट थी जहां आपको डील्स ऑफ द डे प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन बाद में गूगल ऑफर्स ने अपना फोकस चेंज कर दिया। अब ये वेबसाइट छोटे छोटे प्रीपेड ऑफर्स की जगह यूजर्स को डिस्काउंट ऑफर करने लगी। धीरे धीरे इसका ट्रेंड कम होने लगा और आखिरकार 2014 में इस सर्विस को बंद कर दिया गया। हमारा आज का आखिरी गूगल फेल्ड प्रोडक्ट है गूगल वेव, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोडक्ट का मेन फोकस बिजनेसमैन थे। वेव एक वेब बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के तौर पर डिजाइन किया गया था। इसमें ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, विकीज और सोशल नेटवर्किंग साइट्स को इस तरह से मर्ज किया गया था कि यूजर्स को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये प्लेटफॉर्म साथ में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, ऑटोमेटेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसी सुविधाएं भी देता था। लेकिन गूगल वेव का बहुत कंफ्यूजिंग होना इसका एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट था, और साथ में गूगल ने इसके प्रमोशन पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया था। 2010 में गूगल वेव का नाम बदलकर अपाचे वेव कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने के बाद भी ये मार्केट में कुछ खास नहीं कर पाया, और आखिरकार 2012 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो ये थे हमारे आज के फेल्ड प्रोडक्ट्स जो गूगल से जुड़े थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपने गूगल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं और वो आपको कैसे लगे। जब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।